यहाँ पे एक न्यू क्रेडिट कार्ड यहाँ पे लॉन्च किया गया है HDFC बैंक के तरफ से, जिसका यहाँ पे नेम है HDFC UPI रुपये क्रेडिट कार्ड। इससे आप UPI ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको कैशबैक रिवार्ड पॉइंट देखने को मिलेगा, इसीलिए इसको खास बात ध्यान में रखकर UPI ट्रांजेक्शन करने के लिए इस कार्ड को लॉन्च किया गया है HDFC बैंक की तरफ से। ये फर्स्ट कार्ड है HDFC की तरफ से जो कि UPI को सपोर्ट कर रहा है, और ऐसा कोई कार्ड अभी लॉन्च नहीं हुआ है, ये फर्स्ट बार ही लॉन्च किया गया है। चलिए आज की इस वीडियो में इस कार्ड का फुल एक्सप्लोर करने वाले हैं, यानी फुल रिव्यू करने वाले हैं, क्या इसका बेनिफिट है, क्या आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कितना आपको कैशबैक पॉइंट देखने को मिलता है, कितना इसका चार्ज है, यानी फुल डिटेल में बताने वाले हैं आज के इस वीडियो में। कार्ड का फर्स्ट लुक कुछ इस तरह आपको देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर कार्ड को इसलिए खास बनाया गया है UPI ट्रांजेक्शन करने के लिए। UPI ट्रांजेक्शन करिएगा तभी आपको कैशबैक रिवार्ड पॉइंट देखने को मिलेगा। चलिए हमें बात करते हैं सबसे पहले बेनिफिट की, उसके बाद बात करें कितना आपको चार्ज लगेगा, कितना आपको कैसे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले बेनिफिट की, तो यहाँ पर आपको 3% कैशबैक देखने को मिलता है ग्रोसरी पर, सुपरमार्केट, डाइनिंग स्पेन करते हैं तो, या पेजेप पे ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको 3% कैशबैक देखने को मिलता है। आप यहाँ पर देखते हैं एक मंथ में 500 रिवार्ड पॉइंट पा सकते हैं, जिसका यहाँ पर वैल्यू है 500 जो रिवार्ड पॉइंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, उसका जहाँ पर वैल्यू है यहाँ पर एक कैशबैक पॉइंट बराबर होता है 0.25 पैसा, यानी आपको 500 × 0.25 करिएगा तो आपको 125 रुपया आएगा, यानी एक मंथ में यहाँ पर 125 रुपया आप इससे कैशबैक पा सकते हैं, कैशबैक रिवार्ड पॉइंट ले सकते हैं। अब यहाँ पर आगे बात करते हैं 2% कैशबैक यहाँ पर आपको देखने को मिलता है इटनिटी स्पेंड पे, जो कि मैक्सिमम यहाँ पर 500 रिवार्ड पॉइंट देखने को मिलता है। इसका यहाँ पर वैल्यू की यहाँ पर बात करें, जो पॉइंट्स आपको देखने को मिलेगा एक कैशबैक पॉइंट बराबर यहाँ पर होता है 0.25, यहाँ भी आपको 500 ही मिलेगा और महीने में यहाँ पर 125 रुपया ही आप ले सकते हैं, उससे ज़्यादा यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। अदर ऑल पे तो आपको 1% कैशबैक देखने को मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पर देखते हैं वॉलेट पर हो गया, EMI पर हो गया, फील पर हो गया, गवर्नमेंट अथी पर हो गया, देखते हैं रेंट पे हो गया, आपको 1% कैशबैक देखने को मिलेगा। मैक्सिमम यहाँ पर रखते हैं 500 रिवार्ड पॉइंट भी यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा एक मंथ में, यहाँ भी आपका जो वैल्यू है एक कैशबैक पॉइंट बराबर होता है 0.25, जैसे कि देखते हैं पैसा तो यहाँ भी आपको 125 रुपया आपको देखने को मिलता है। यानी तीनों को यहाँ पर आप जोड़ते हैं तो आपको 375 रुपये आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पर बात करते हैं, ये तो हो गया कैशबैक की, किसका आपको बेनिफिट देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इसकी चार्जेस की, चार्जेस का यहाँ पर डिक्लेयर नहीं किया गया क्या आपको चार्ज कार्ड का देना होगा, इसका जो वेबसाइट है वहाँ पर कोई अभी नहीं लिखा गया कितना चार्ज लगेगा, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आपको लिखा गया कि 50,000 का शॉपिंग करते हैं एक साल के अंदर तो आपको यहाँ पर फी माफ़ कर दिया जाएगा, ये आपको वहाँ पर लिखा गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है जाकर पढ़ सकते हैं, लेकिन ये नहीं लिखा गया चार्जेस। तो मेरा यहाँ पर मानना है कि हो सकता है यहाँ पर आपको 499 रुपया आपको कार्ड का चार्ज लगेगा प्लस GST, तो वो आपको माफ़ हो जाएगा अगर आप साल में 50,000 का यहाँ पर करते हैं। तो बात करते हैं कहाँ कहाँ इसे यूज कर सकते हैं, तो इस ऐप के थ्रू यहाँ पर कर सकते हैं, भीम ऐप हो गया, पेटीएम हो गया, MobiQuick हो गया, इससे यूज करके स्कैन करके यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इस कार्ड को यहाँ पर जो अप्लाई करिएगा तो आपको डिजिटल कार्ड मिलेगा, यहाँ पर आपको फिजिकली देखने को नहीं मिलेगा, डिजिटल देखने को मिलेगा जो कि आपको मोबाइल फ़ोन में ही रहेगा डिजिटल। आ जाइए यहाँ पर स्कैन करिए UPI और कैशबैक रिवार्ड पॉइंट पाइए इस तरीके से। जैसे कि यहाँ बात करते हैं कि इसको अप्लाई आप कैसे कर सकते हैं, तभी अप्लाई का यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, साइड यहाँ पर देखते हैं लोड चल रहा है पर इधर लिख देगा जैसे ही क्लिक करिएगा, तो अप्लाई का ऑप्शन अभी नहीं आया। जैसे ही अप्लाई करने का ऑप्शन आएगा इस वीडियो पर आपको आप वीडियो देखने को मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन घंटी प्रेस करके रखिए, क्योंकि फर्स्ट वीडियो आपको देखने को मिलेगा इसी चैनल पर, तो सब्सक्राइब करके रखिए। कैसा ये वीडियो लगा कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और भी कोई भी दिक्कत हो इस वीडियो में तो कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं, हमारा इंस्टाग्राम फॉलो करके हम मैसेज करिएगा, मैं आपका हेल्प कर दूंगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।